आपके साथ मैं आदिति त्यागी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ये अपडेट जुड़ा है आर्यन खान ड्रग्स केस में। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, आज एक बार फिर से अनन्या पांडे से एनसीबी ने पूछताछ की। आज ये पूछताछ करीब 4 घंटे चली है। आपको बता देते हैं कल भी एनसीबी द्वारा अनन्या पांडे से पूछताछ की गई थी और ये पूछताछ आपको याद होगा 2 घंटे चली थी। दूसरी खबर आपको ये बताते हैं कि अरमान कोहली के दोस्त बाबू भाई कछवाला से भी एनसीबी द्वारा पूछताछ की गई है। और तीसरी खबर है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि अनन्या पांडे और आर्यन खान के बीच एक कड़ी के तौर पर एक ड्रग पेडलर को एनसीबी द्वारा हिरासत में लिया गया है और इससे कुछ बरामदगी भी की गई। आज की गई करीब 4 घंटे लंबी पूछताछ में अनन्या पांडे से क्या सवाल किए गए और उन्होंने उन सवालों के क्या जवाब दिए, ये तो साफ नहीं हो पाया। लेकिन 4 घंटों की पूछताछ के बाद अनन्या पांडे जब एनसीबी ऑफिस से निकली तब किस तरह की तस्वीर थी, ये जानने के लिए देखिए मेरे सहयोगी की ये रिपोर्ट। एनसीबी ने अनन्या पांडे से आज करीब 4 घंटों तक एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ की। एनसीबी अनन्या पांडे से सिर्फ यही जानना चाहती थी कि क्या उसकी कभी आर्यन खान से ड्रग्स को लेकर के चैट हुई थी, और अगर हुई थी तो क्या कभी उसने आर्यन खान को ड्रग्स दिलवाने में मदद भी की थी। अनन्या पांडे के घर के बाहर सुबह से हलचल थी। अनन्या को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दोपहर के बाद करीब 2 बजे अनन्या पांडे अपने घर से पिता चंकी पांडे के साथ निकली। कार की खिड़कियों पर अखबार लगाए अनन्या एनसीबी के दफ्तर तक पहुंची तो करीब 2:30 बजे का वक्त था। पता चला कि तब से शाम तक अनन्या से एनसीबी के अफसर समीर वानखड़े पूछताछ कर रहे थे और चंकी पांडे कमरे के बाहर बैठे हुए थे। चंकी जी बैठे थे सर के कैबिन के बाहर, मैं और वो साथ में बैठे थे। अच्छा, और लेकिन ये लेकिन अनन्या जी वो वानखड़े सर के, ये बाबू भाई हैं अरमान कोहली के दोस्त। इन्हें भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए ही बुलाया था। इनसे एनसीबी ने क्या पूछताछ की है इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। लेकिन इससे पहले अनन्या पांडे ने एनसीबी से पूछताछ में ड्रग्स कांड को लेकर किसी तरह की मिली भगत से साफ इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन के मोबाइल से जो व्हाट्सएप चैट सबूत मिले थे उसमें आर्यन खान ने अनन्या पांडे से पूछा था कि क्या गांजा अरेंज हो सकता है, तो जवाब में अनन्या पांडे ने लिखा, मैं अरेंज कर दूंगी। एनसीबी ने जब अनन्या पांडे से ये चैट दिखाकर सवाल पूछे तो अनन्या ने इसे मजाक की बात बताया। अनन्या ने कहा कि मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक अनन्या पांडे ने एनसीबी को बताया कि उन्होंने आर्यन खान से सिगरेट को लेकर बात की थी, ड्रग्स को लेकर नहीं। अनन्या ने यह भी कहा कि ये चैट्स बेहद पुरानी हैं, इसलिए उसमें क्या लिखा है वो बातें उन्हें ज्यादातर याद भी नहीं। अनन्या पांडे ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया और ना ही वो किसी ड्रग पेडलर को जानती हैं। गुरुवार को अनन्या के इस बयान के बाद एनसीबी रात भर एक्शन में रही और सूत्रों के हवाले से खबर है कि दूसरे दिन की पूछताछ से पहले भी एनसीबी ने मुंबई से एक ऐसे ड्रग पेडलर को पकड़ लिया जो आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच की कड़ी बताया जा रहा है। इसके अलावा एनसीबी ने गुरुवार की रात ही उस आरोपी के पास से कुछ बरामदगी भी की है। पकड़े गए शख्स का कनेक्शन आरोपी अचित कुमार, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट से भी पाया गया है। एनसीबी अब पकड़े गए ड्रग पेडलर से हुई बरामदगी के हवाले से आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। आशंका है कि एनसीबी की कार्रवाई की जद में बॉलीवुड के कुछ और चेहरे भी आ सकते हैं। अमित राम से राजीव रंजन और अंकुर त्यागी के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। एनसीबी जो कार्रवाई कर रही है वो नशे के चंगुल से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अफसोसनाक है कि महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी एनसीपी और उसके नेता नवाब मलिक एनसीबी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नौकरी लेने और जेल भेजने से अब बात फोन पर धमकियों तक जा पहुंची है। एक्सपोज के लिए शिवाय नव मलिक आमदार नहीं। ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत। हमारे देश का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशाखोरी और नशाखोरों से लड़ रहा है और हमारे देश की एनसीपी एनसीबी से लड़ रही है।
शाहरुख खान का बेटा अवैध ड्रग्स केस में पकड़ा गया तो शाहरुख खान का बचाव करने उतरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक अपना सियासी हिसाब चुकता करने बैठ गए। एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ तमाम तरह के आरोप लगा चुके नवाब मलिक ने अब नया आरोप लगाया है। मैं पुलिस को लिखित शिकायत देने जा रहा हूं। मेरे पर्सनल नंबर पर यह धमकी भरा कॉल नहीं आया है, ये कॉल मेरे ऑफिशियल नंबर पर आया है जिसे मेरे सुरक्षा कर्मियों ने अटेंड किया था। फोन करने वाले ने कहा था कि वानखेड़े का पीछा छोड़ दो वरना तुम्हें उड़ा देंगे। बताया जा रहा है कि नवाब मलिक को ये फोन कॉल राजस्थान से किया गया था। ये धमकी दी गई है या नहीं, दी है तो किसने दी है, ये जांच की बात है। लेकिन इससे पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को धमकी जरूर दी थी। एक दिवस ही नौकरीत राहू शकत नाही आणि तुरुंगवास याचा निश्चित आहे, ते पुरावे आगामी काळामध्ये आम्ही काढणार आहोत। इससे पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर दुबई जाने के झूठे आरोप भी लगाए थे। दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूँ, ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूँ और झूठा आरोप है। समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि बॉलीवुड और रसूखदारों की नशाखोरी का खुलासा करने पर समीर के रिश्तेदारों तक को परेशान किया जा रहा है। क्या आप लोग ड्रग माफिया को बचाने का प्रयास कर रहे हो? क्या उनसे आपको कुछ वसूली आ रही है? दूसरों को जेल में डालने की भाषा बोलने वाली ये सरकार खुद ये ना भूले कि इनके कई सारे मंत्री कभी भी जेल में जा सकते हैं, यहां वहां भागे भागे घूम रहे हैं। ड्रग्स की मुसीबत से लड़ाई में ये राजनीतिक दांवपेच अफसरों का हौसला तोड़ने की एक साजिश है, क्योंकि ड्रग्स सिर्फ नौजवानों को बर्बाद करने का जरिया ही नहीं, इससे 10 लाख करोड़ सालाना का अवैध धंधा भी जुड़ा है। और इसके धंधेबाज नहीं चाहेंगे कि उनके रैकेट का भंडाफोड़ किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो भारत के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि एनसीबी अपनी इस कार्रवाई के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से बचाने की एक कोशिश कर रही है, लेकिन ये इतनी मामूली समस्या नहीं। इसे आपको ऐसे समझना होगा कि एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा का कारोबार है ये। बिल्कुल सही सुना आपने, 10 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा का अवैध ड्रग्स का कारोबार है, जिसके माध्यम से इसी कारोबार के लिए दरअसल युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जाता है। और ये नशे की चपेट कितनी ज्यादा घातक है, इसे आप समझिए एक नेशनल सर्वे के आंकड़े से, जो ये कहता है कि 2,90,00,000 लोगों को कैनेबिस के नशे की लत है, 1,86,00,000 लोगों को ओपीएम के नशे की लत है, 1,06,00,000 लोगों को सेडेटिव्स की लत है, और इसके अलावा 0.05 करोड़ लोगों को इनहेलेंस की लत लग चुकी है, वहीं 0.09 करोड़ लोगों को कोकेन की लत है। मतलब कुल 5,96,00,000 से ज्यादा तो ऐसे लोग हैं जिन्हें आधिकारिक रूप से नशे की लत लग चुकी है, और इसमें बड़ी तादाद जो है वो देश के नौजवानों की। ऐसे में एनसीबी अगर इस ड्रग्स के अवैध कारोबार को या युवा पीढ़ी को बचाने के लिए कार्रवाई करती है तो हर भारतीय को उसमें साथ देना चाहिए, ना कि इस पर सियासत होनी चाहिए, क्योंकि इतना तो ये पूरा देश मानता है कि चाहे ड्रग्स कोरी हो या फिर ड्रग्स का ये अवैध कारोबार, ये एक पीढ़ी और देश दोनों को बर्बाद कर रहा है। अच्छे काम में अड़ंगा डालने वाले लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जब ऐसी ही बाधाओं पर जीत दर्ज की जाती है तो मनाया जाता है विजय उत्सव। भारत ने 1 अरब वैक्सीन की डोज देने का लक्ष्य रखा तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन टीम इंडिया ने इस पर जीत दर्ज की। और आपको ये समझना होगा कि कल तक 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जो कि मामूली बात नहीं है। इसलिए मामूली बात नहीं है क्योंकि भारत ने 289 दिनों में ये काम किया है। इतने में आपको ये समझना होगा कि ब्रिटेन में 16 बार, फ्रांस में 15 बार, जापान में 8 बार, रूस में 7 बार और अमेरिका में 3 बार वैक्सीन लगाई जाती है। ऑन एवरेज अगर बात की जाए, औसत की बात की जाए, तो भारत ने 80 लाख से ज्यादा लोगों को पर डे वैक्सीन की डोज दी है। दुनिया में 65 देश ऐसे हैं जो कि
जिनकी आबादी 80 लाख से भी कम है, और सोचिए भारत ने औसत 80 लाख डोज लगाई है, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये एक असामान्य उपलब्धि है और इसीलिए दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है, WHO भारत की तारीफ कर रहा है, यहाँ तक कि सुपर पावर्स भी भारत की इस उपलब्धि पर काफी खुश दिखाई दे रही है और बधाई दे रही है। लेकिन इस देश में ही बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत की इस उपलब्धि को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, जश्न नहीं मना पा रहे, और उन्हें इसमें भी सियासत दिखाई दे रही है। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे इस विजय उत्सव पर मातम जी सियासत कर रहे हैं। इससे बड़ा इनका अपमान नहीं किया जा सकता। चेचक का टीका हिंदुस्तान ने मुफ्त में 1965 में इजाद भी किया, बनाया भी और लगाया भी, पर लगता है कि मोदी जी को ना उनके अधिकारियों ने ना किसी और ने बताया। आज 100 करोड़ हुए हैं भारत में, लेकिन याद रखिएगा दो डोज मिले हैं सिर्फ 21% लोगों। पीएम मोदी भारतवासियों का हौसला अफजाई कर रहे थे, एक अजेय चुनौती पर विजय का संकल्प याद दिला रहे थे, और इधर विरोधियों को पीएम मोदी की हर एक लाइन पर एतराज था। थाली बजाना, ताली बजाना, बत्ती बंद करना, लाइट जलाना, इसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश की है। हालांकि ये शुद्ध रूप से एक टोटके के रूप में माना जा रहा है। प्रधानमंत्री इस देश के कैप्टन होने के नाते, इस देश के लीडर होने के नाते, तो इनकी ये भी भूमिका थी, दायित्व थी, कि सबको इसकी क्रेडिट की जो भागीदारी दे देनी चाहिए थी। समय जाया किया ताली थाली में, समय जाया किया वैक्सीन डिप्लोमेसी में, जबकि देश में वैक्सीन एडिक्वेसी नहीं थी। देश के वैज्ञानिकों ने, वैक्सीन के निर्माताओं ने, राज्यों की सरकारों ने, जिलाधिकारियों से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पर तैनात हेल्थ वर्कर्स ने मिलकर ये मुकाम हासिल किया था। लेकिन विरोधी प्रधानमंत्री की इस जीत को खारिज करना चाहते थे। कोवैक्सीन जो हिंदुस्तान में बना हुआ वैक्सीन है भारत बायोटेक का, अभी WHO उसको क्लियरेंस नहीं दिया है। प्रधानमंत्री को खुद इसके बारे में उद्योग लेना चाहिए। BCG के टीके लगे, पोलियो के टीके लगे, करोड़ों लोगों को एक एक दिन में लगाया गया, लेकिन कभी जश्न नहीं मनाया गया। कोरोना का संकट मामूली नहीं था, अब भी है। आज भी मॉस्को के अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं है। एक दिन में रूस में 37,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा जाने जा रहे हैं। इधर चीन के गंसू प्रांत और इनर मंगोलिया में कोरोना का नया आउटब्रेक हुआ है। जियान और लांझू में 60 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं। स्कूल, कॉलेज, पार्क सब बंद किए गए हैं। मास टेस्टिंग हो रही है। प्रभावित शहरों में आने जाने पर बंदिशें लगानी पड़ी हैं। और ये सब उन सुपर पावर्स का हाल है जिनकी इकोनॉमी भारत से कई गुना बड़ी है, फिर भी ये मुल्क कोरोना से लड़ नहीं पा रहे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अभी हथियार नहीं डालने की अपील भी की है।
कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। सावधानी और संकल्प दोनों जरूरी है, क्योंकि भारत की 135 करोड़ की आबादी में अभी 100 करोड़ वैक्सीन ही लगी है। 170 करोड़ और वैक्सीनेशन का लक्ष्य तक पहुंचना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एलएसी पर चीन की विस्तारवादी चाल का जवाब देने के लिए भारत ने अपने दो महाबलियों को उतारने की तैयारी कर ली है। भारतीय सेना के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च तैनाती के लिए बिल्कुल तैयार है। पिनाका स्वदेश में विकसित अत्याधुनिक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जो सिर्फ 44 सेकंड में दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। 38 किलोमीटर के दायरे में शत्रु सेना की कोई पोस्ट इसकी मार से बच नहीं सकती है। दूसरी तरफ स्मर्च भी कम घातक नहीं है। स्मर्च की रेंज 90 किलोमीटर की है, यानी जरूरत पड़ने पर वो एलएसी के उस पार काफी दूर तक मार करने की शक्ति रखता है। एलएसी पर चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए भारतीय सेना वहां भी अपनी शक्ति लगातार बढ़ा रही है, ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। आपको दिखाते हैं जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। एलएसी पर भारत का शौर्य। चीन के खिलाफ पिनाका पराक्रम, सीमा पर स्मर्श की अजेय शक्ति, बोफोर्स की हुंकार, दुश्मन में हाहाकार। ये चीन के विस्तारवाद को हिंद का जवाब है। ये चीन की घुसपैठ की कोशिश को लेकर भारत की चेतावनी है। ये भारतीय सेना का प्रचंड पराक्रम है, जो हिंदुस्तान की सरहदों की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को मटिया मीट कर सकता है। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच सेना ने अपने दो घातक रॉकेट लॉन्चर की तैनाती की तैयारी कर ली है। इनका नाम है पिनाका और स्मर्च। ये दोनों शक्तिशाली मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हैं। इन दोनों रॉकेट लॉन्चर्स का निशाना अचूक है और उनका प्रहार अत्यंत घातक। चीन ने अपनी रॉकेट फोर्स में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। उसकी रॉकेट फोर्स अब एक अलग डिपार्टमेंट में है, जिसको रॉकेट आर्टिलरी कहते हैं। भारतीय सेना की रॉकेट फोर्स आर्टिलरी यानी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के साथ ही होती है। भारतीय सेना के जो दो सबसे बड़े रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो इस समय आपके सामने हैं। एक है स्वदेशी पिनाका, जो एक रॉकेट लॉन्चर में 12 रॉकेट्स होते हैं, 38 किलोमीटर की रेंज है और 6 रॉकेट लॉन्चर्स की एक बैटरी बनती है। एक बैटरी से जो रॉकेट फायर होते हैं वो 1000 मीटर से लेकर 1000 मीटर गुणा 800 मीटर का इलाका पूरी तौर पर तबाह कर देते हैं। भारतीय सेना की आर्टिलरी में सबसे भारी कैलिबर का फायर स्मर्च देता है। 300 mm का इसका कैलिबर है और 90 किलोमीटर इसकी रेंज है। स्मर्च का अर्थ रूसी भाषा में तूफान होता है। चीन एलएसी पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सेना लगातार भारत पर दबाव बनाने की चाल चल रही है। हाल ही में चीन की सेना ने अरुणाचल में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की थी। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों की नजर चीन के हर दांव पर है। अरुणाचल प्रदेश और एलएसी पर सेना की ताकत को बढ़ाया जा रहा है, ताकि न सिर्फ चीन का मुकाबला किया जा सके बल्कि उसे मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा सके।
पिनाका और स्मर्च की मौजूदगी भी इसी तैयारी का हिस्सा है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स बहुत बड़े कैलिबर का रॉकेट फायर करते हैं, इनकी रेंज ज्यादा होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत तेजी से बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। भारतीय सेना की आर्टिलरी की जो सबसे भारी गन है वो 155 mm की है, लेकिन पिनाका रॉकेट लॉन्चर का कैलिबर 210 mm है और स्मर्ज का तो 300 mm है और इसी हिसाब से इनकी रेंज बढ़ती जाती है। पहाड़ों में जहां रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, बहुत जल्दी डिप्लॉयमेंट करना होता है, वहां इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, खासतौर पर LAC में जहां पर चीन अपनी रॉकेट फोर्स को लगातार बेहतर बना रहा है, वहां पर ये रॉकेट लॉन्चर जवाबी कार्रवाई के लिए सबसे उपयुक्त हथियार है। अब समझिए कि LAC पर पिनाका और स्मर्ज के आ जाने से LAC पर भारतीय सेना की शक्ति में कितनी बढ़ोतरी हो गई है और भारत के इन दोनों महावीरों से चीन को क्यों घबराहट हो रही है। पहले बात करते हैं पिनाका की। पहले इसके नाम का अर्थ समझिए। पिनाका भगवान शिव का धनुष है, उसी धनुष के नाम पर इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का नाम पिनाका रखा गया है। यानी जिस तरह भगवान शिव रौद्र रूप धारण कर अन्याय और अत्याचार करने वाले राक्षसों का सहार करते हैं, उसी तरह पिनाका भी भारत के शत्रुओं पर काल बनकर टूट सकता है। ये जो दो वेपन सिस्टम आपके सामने, दोनों के मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पिनाका सिस्टम वो 8x8 टाटा चेसिस के ऊपर है और स्मर्श 10x10 चेसिस के ऊपर, इसके वजह से इसके मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने के लिए ये इसके मोबिलिटी इसको मदद कर सकते हैं। और इसमें जो क्विक रिएक्शन सिस्टम है और जो हाई एक्यूरेसी है, इसके मदद से हम इतना फायर पावर चाहिए वो हम वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। पिनाका स्वदेश में तैयार अत्याधुनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, यानी रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। पिनाका को DRDO ने विकसित किया है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर में 12 रॉकेट होते हैं और 6 लॉन्चर्स को मिलाकर एक बैटरी बनती है। इस तरह एक बैटरी में 72 रॉकेट होते हैं। पिनाका को ये 72 रॉकेट फायर करने में सिर्फ 44 सेकंड लगते हैं। 38 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भी पलक झपकते ही तबाह कर सकता है, यानी एक मिनट में भी कम समय में पिनाका दुश्मन के ठिकानों पर 72 रॉकेट दागकर उसे ध्वस्त कर सकता है। पिनाका की मारक क्षमता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिनाका की एक बैटरी 1 किलोमीटर लंबे और 800 मीटर चौड़े इलाके में मौजूद शत्रु सेना के ठिकानों को तबाह कर सकती है। स्मर्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को रूस में विकसित किया गया है और यह भी पिनाका की तरह दुश्मनों पर अचूक वार करता है। पिनाका की तरह स्मर्ज के एक लॉन्चर में भी 12 रॉकेट होते हैं। 4 रॉकेट लॉन्चर को मिलाकर एक बैटरी बनाई जाती है। स्मर्ज को यह 48 रॉकेट दागने में केवल 40 सेकंड का समय लगता है और एक बैटरी के फायर से 1200 किलोमीटर लंबे और इतने ही चौड़े इलाके में मौजूद दुश्मन के तमाम ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। 90 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन की कोई भी पोस्ट स्मर्ज के वार से बच नहीं सकती है। यानी अगर जंग की नौबत आए तो LAC के उस पार चीन की चौकियों पर पिनाका और स्मर्ज के दागे गए रॉकेट भयंकर प्रहार करेंगे। भारतीय सेना की आर्टिलरी के सबसे बड़े हथियार यानी स्मर्ज का राउंड कैसा होता होगा, उसका रॉकेट कैसा होता होगा और वो रॉकेट दरअसल काम कैसे करता है। 90 किलोमीटर तक उस रॉकेट को जाना है और 300 मिलीमीटर कैलिबर का ये रॉकेट है। तबाही फैलाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है इस रॉकेट में। दरअसल ये भारतीय सेना का सबसे भारी हथियार है। हमारे साथ कैप्टन विप्लव दलवी हैं। कैप्टन दलवी, इतना भारी हथियार, थिएटर वेपन कहते हैं इसे, ये हथियार कैसे काम करता है और इसका जो रॉकेट है उसमें ताकत कहाँ से आती? CSU ये रॉकेट का एक ब्रेन है। ये रॉकेट्स को, रॉकेट जब फ्लाइट में होता है तब उसको कमांड्स देता है जो जो होनी है। फ्लाइट मोड में होने के बाद जो कार्रवाई होगी इस पे, जो इसको कमांड्स मिलेगी आगे, वो सब ये देता है। ये इसका ब्रेन माना जाता है एमिनेशन का। सेकंड आते हैं हम वॉरेड पे। 4 प्रकार के वॉरेड हमारे पास इंडिया में है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा सेक्शन ये वॉरेड से किया जाता है। इसमें HE आता है, फ्यूल एयर एक्सप्लोजन आता है, ऐसे अन्य प्रकार के एमिनेशन है इसमें। इन रॉकेट लॉन्चर्स को मिलिट्री ट्रक के जरिए एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक लाना भी आसान है।
पिनाका और स्मर्श के अलावा अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर बोफोर्स तोप समेत कई घातक डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। गौर करने लायक बात यह भी है कि पिनाका और स्मर्श की एलएसी के करीब मौजूदगी की खबर ऐसे समय में आई है जब भारत पर चीन के हमले के 59 साल पूरे हुए हैं। आपको याद होगा कि 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर धोखे से हमला कर दिया था और भारत के हजारों किलोमीटर जमीन हड़प ली थी, लेकिन यह 1962 का नहीं 2021 का भारत है जो एक महाशक्ति बन चुका है। भारत शांति और क्रांति दोनों भाषाओं में जवाब देने की शक्ति रखता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब मौजूद पिनाका और स्मर्श जैसे शक्तिशाली हथियार चीन को यह संदेश दे रहे हैं कि अगर उसने 1962 को दोहराने की कोशिश की तो इस बार चीन का इतिहास नहीं भूगोल भी बदल सकता है। लड़ाई में अगर बहुत तेजी से फायर करके दुश्मन को एकदम दबा देना है या उसके पूरे इलाके को तबाह करना है तब ये रॉकेट लॉन्चर्स काम में आते हैं। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहाँ दूसरी तरफ चीन अपनी बहुत ताकतवर रॉकेट फोर्स के साथ तैयार है, वहाँ ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स बहुत ज़रूरी हैं जिनका डिप्लॉयमेंट भारतीय सेना ने किया है। कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, मजबत, असम। 1962 की लड़ाई में चीन ने धोखे से वार किया था और भारत की जमीन हड़प ली थी, लेकिन ये 2021 का भारत है जो गोली का जवाब गोले से देता है। एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना न सिर्फ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की शक्ति से लैस है बल्कि जमीन से आसमान तक हर मोर्चे पर पुख्ता तैयारी की गई। आज से 59 साल पहले चीन ने दोस्ती की आड़ में दगा दिया, भाईचारे की बात कर भारत की पीठ में छुरा घोंपा। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर जिस तरह आक्रमण किया उसके जख्म कभी भुलाए नहीं जा सकते। लेकिन इस युद्ध के बाद भारत ने एक संकल्प लिया और आज भारत एक ऐसी महाशक्ति है जिसकी सेना किसी भी हमलावर को उसके दुस्साहस की सजा देने में सक्षम है। एक वक्त था जब चीन ने भारत के करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, लेकिन आज चीन हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता है। एलएसी पर भारत चीन की हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जी न्यूज आज आपको दिखाएगा 2021 में भारत की उन जगहों पर कैसी तैयारी है जहां चीन ने 1962 की लड़ाई में कब्जा कर लिया था। जी न्यूज की टीम अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर पहुंची। 20 अक्टूबर 1962 समय सुबह 5:15 बजे, जगह तब का नेफा और अब के अरुणाचल प्रदेश की एक छोटी सी नदी नामकाचो। ये शब्द हर भारतीय के दिल में गर्म सलाख से दागे हुए हैं। 21 अक्टूबर 2021 यानी कल इस दुखद हार और अपमान के 60वें साल की शुरुआत होगी, यानी उस समय पैदा हुआ बच्चा अब बूढ़ा हो रहा होगा, पर न तो उस दुखद हार के जख्म भरे हैं और न ही उस अपमान के घाव कम हुए हैं। उस अपमान ने हर भारतीय के दिल में एक बात बहुत अच्छे से बिठा दी कि अगर दुनिया में सम्मान से जीना है तो ताकतवर होना होगा। अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा करता है जो पूरी तरह से गलत है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग से एलएसी करीब 20 किलोमीटर दूर है। एरियल डिस्टेंस यानी हवा से दूरी केवल 7 किलोमीटर है। यह इलाका एलएसी के बहुत करीब है और चीन की नीयत पर भरोसा करना संभव नहीं, इसीलिए यहाँ हवाई हमलों से सुरक्षा को चौकस किया गया है। अगर दुश्मन का टारगेट एयरक्राफ्ट या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आता है तो ये गन एक बार अगर उसे ट्रैक कर लेती है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली
उसी हिसाब से अपने बैरल को घुमाती रहती है और जब भी वो क्रॉस वायर में आता है उस पर फायर करती रहती है। आसमानी निशाने पर इसकी रेंज 3.5 किलोमीटर है और ज़मीन पर अगर इस गन से मार की जाए तो वो लगभग 3 किलोमीटर है। आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि इस गन का इस्तेमाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई बार जमीनी टारगेट्स के खिलाफ भी किया जाता है, यानी दुश्मन के बंकर्स के खिलाफ। जमीन से लेकर आसमान तक भारत ने चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।